हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? आपको बता दें कि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही खूब बवाल मच गया, जिसके बाद असादुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के जरिए अपनी सफाई दी। ओवैसी ने कहा कि मेरे कानपुर में दिए गए 45 मिनट के भाषण में से केवल एक मिनट की क्लिप को फैलाया जा रहा है। ओवैसी ने अपने ट्विटर पर वो पूरा वीडियो भी शेयर किया। ओवैसी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं उन पुलिस वालों की बात कर रहा था जो अपने सामने एक बुजुर्ग मुस्लिम को पिटता देख भी चुप खड़े रहे थे। मैंने हिंसा के लिए किसी को नहीं उकसाया, ना ही धमकी दी। मैंने सिर्फ पुलिस के अत्याचारों के बारे में बात की थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार NPR और NRC कानून लाएगी तो हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को शाहीन बाग बना देंगे। किसानों के लिए ये तीन कानूनों को, कृषि कानूनों को वापिस लिया। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापिस लिया जाए। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप। चुनाव से पहले पंजाब में ये जो धमाका हुआ है, अपने आप में क्या संदेश है आने वाले समय के लिए? पता मुझे नहीं पता, आप OBC ABC क्या कहते हैं, मुझका नाम समझ नहीं आती। देखो, मोदी जी और योगी जी के जाने से पहले पहले बिट्टा के रास्ते से, उसको जैसे आतंकवादी आते थे, रगड़ते थे ना, ठोकते थे ना, पहले मेरे रास्ते से गुजरना होगा। ये जो पगड़ी है ना, ये मौत का कफन है, हमारे गुरु साहबानों ने सजाया है उसको। पुराने इतिहास के खूनी पन्नों को याद करना चाहिए, किस तरीके से औरंगजेब जैसे जालमों के खिलाफ इस कौम ने लड़ाई लड़ी थी। आज भी पहले इस कौम के रास्ते से गुजर के फिर मोदी से हजारों किलोमीटर दूर जाना होगा, ये OBC ABC CUBC को कहना चाहते हैं।